अब तेरे पिछवाड़ में ये डाल देंगे देख ले। जब देखा ऊं करते रहता। मैं अकेला ना भाई, तुम तीनों को मारने की क्षमता रखते हो भाई, ठीक है? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। मेरी फ्रेंड लिस्ट में एक लड़की है काव्या नाम की, आई थिंक आप सभी उसे जानते होंगे। बट क्या हुआ था, गलती से वो मेरी फ्रेंड लिस्ट में आ गई थी। आप सभी ने पिछली वीडियो में आई थिंक देखा होगा। एग्जैक्टली कल नाइट उसने मुझे ऐड किया, फिर बोलने लगी कि अनस्पॉन प्लीज मेरी एक हेल्प कर दो। मैंने कहा क्या हुआ, फिर से कोई प्रॉब्लम आ गई? तो बोलने लगी हाँ, पहले ये बताओ हेल्प करोगे या नहीं। तो मैंने कहा ठीक है बताओ तो प्रॉब्लम क्या है। तो उसके बाद वो बताने लगी कि मैंने रैंक गेम रैंडम बंदों के साथ खेला और वहां पे मैं किल नहीं कर पाई, एक्सेट्रा ये सब बकवास उसने बताया। फिर उसके बाद उन लड़कों ने इसकी बेइज्जती करी, पता नहीं क्या क्या बोला मुझे, पूरा इसने नहीं बताया, बोला कि मेरे ग्रुप में आ जाओ। मैंने बोला कि तुम रैंडम बंदों के साथ खेलती ही क्यों हो, जब नहीं खेल पाती तो ऐसी चीजें मत करो जिससे तुम्हारे इंसल्ट हो। तो वो बोलने लगी प्लीज मेरे ग्रुप में आ जाओ, उन लोगों को समझा दो मेरे साथ में खड़े हैं ये वो। तो मैंने कहा ठीक है जाओ मुझे ऐड करो। बट गाइज यहां पे थोड़ा सीन चेंज होगा। मैंने सोचा है कि उन लड़कों के साथ मजे ले लूं और साथ में अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड कर लूं, क्या ही मजा आएगा। तो गाइज मैं यहां पे कलुआ एडम बन के जाऊंगा, एकदम फुल टू काला, काला से भी ज्यादा काला मेरा कलुआ एडम है। तो ये लुक लेकर जाऊंगा। और भाई आप सभी इसका गेटअप देखो, मतलब खतरनाक दिख रहा है ना। और जो इसके सर पे है ना, ये अभी देखना गेम प्ले के अंदर कितना खतरनाक कलुआ नाग बन के खड़ा हो जाएगा। और गाइज आप सभी के लिए एक ऑफर है, अगर आप सभी बता दो कि इस गेम प्ले के अंदर मैंने कितने हेडशॉट मारे हैं और राइट आंसर दे दो, उस बंदे को मिलेंगे 1000 डायमंड। तो जाओ फटाफट कमेंट करो और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, शायद नोटिफिकेशन बेल आएगी उसे ऑन कर लेना। तो चलिए चलते हैं ग्रुप में और आगे देखते हैं क्या सीन होता है। A few moments later. काव्य का मैसेज आ रहा है लेकिन हमें परेशान कर रहे हैं। अरे बुलाओ तो, ये कौन क्वीन बुला रही है? ये है। अबे क्वीन चिमकांडी बॉट, तू फिर से आ गई नोबड़ी, ये कलवा एडम कौन है? अरे सदी मैं क्वीन को निकाल, कलवा एडम सदी मैं एक बार बोला था तुम क्वीन को निकाल दो भाई, मैं निकाल लेता हूं ठीक है। अरे एक मिनट एक मिनट, क्वीन हेलो, हाँ हाँ यही है क्या वो लोग? हाँ यही तो उन्होंने कब से बोल रहे हैं शादी कर लो, ये हो स्वागतवाद सब। क्या बोला तूने? स्वागतवाद सब। ओह माय गॉड, कह रहे बेइज्जती कर रहे मेरा। अच्छा ठीक है तुम रुक जाओ, मैं बात करता हूँ। अरे भाई भाई एक मिनट जो थोड़ा सबर करो, आराम से बोलो, ज्यादा बोलोगे गले में हड्डी फंस जाएगी, ठीक है धीरे बोलो थोड़ा धीरे। देखो यार लड़की को, अरे मैं बोल रहा हूँ, हाँ 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 मैं कलुआ एडम अंश बोल रहा हूँ, अंश बोल रहा हूँ भाई। तो डायलॉग क्यों मार रहा है भाई, तेरा सकल देखा है भाई, अंशबॉन नाम के बदले अंशबॉट रख ले भाई, बहुत तेज हो रहा है। हाँ हाँ अच्छा रहेगा, चिंता मत करो, अगर तुम बोल रहे हो तो तुम्हारा नाम करवा देंगे सदीम बॉट, और ये क्या नाम है चिकन बॉट, चलो ठीक है चिकन। अरे भाई ज्यादा चिकन खाते हो क्या तुम? अबे चिकन भाई, ये बॉट को क्या ग्रुप में रखा है, किक कर बॉट को अंश बॉट। अरे सुनो सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो। हाँ 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 एक मिनट यार, मतलब भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। अरे भाई हेलो, ये बॉट आ गया भाई। हाँ हाँ सुनो, अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात नहीं है, रुको जरा सबर करो। मुझे पता है मेरी ग्रुप में लड़ने की औकात नहीं, मेरी बात सुन लो, ज्यादा क्यों फुदक रहे हो, चड्डी उड्डी गीली हो जाएगी यार, मतलब थोड़ा आराम से बात करो। पहले तो लड़की की बेइज्जती करते हो और फिर मुझे किक कर रहे हो बार बार। बॉट तेरे पास क्या है बे, हम लोग के पास हिप हॉप बंडल है, हम लोग सीजन 2 से खेलते हैं। अरे भाई सुनो सुनो, आप सीजन 2 से खेलते हो, आपके पास हिप हॉप है, अच्छी बात है, मेरे पास कलुआ एडम है ठीक है, और कलुआ एडम जब पेलता है तो हिप हॉप सीजन 1 सीजन 2 3 कोई आगे नहीं आता, सारे दौड़ते दौड़ते अपने मम्मी के गोदी में जाके छिप जाते हैं, समझा? अबे चिमकांडी की शक्ल से कल्लू एडम साले बॉट नोबड़े, तू क्या खेलेगा बॉट? अरे भाई भाई सुनो सुनो सुनो, चिकन पॉक्स और सदीम भाई। हाँ काव्या, अरे अंशबॉन तुम तो जानती हो मेरा आईडी कोई ले लिया है, वो वाली परी वाली, तो ये सब मेरा बहुत ज्यादा बेइज्जती कर रहा है। अच्छा ठीक है तुम अभी चुप हो जाओ। क्या तेरे पास कोई आईडी नहीं है बॉट, तू नोबड़ी है समझी चिमकांडी। हरामी हो बेटा। अरे रुको रुको, लड़की से मत बात करो, मुझसे बात करो, तो अपना माइक ऑफ कर लो, एक मिनट के लिए माइक ऑफ करो, मैं बात कर रहा हूँ। देखो भाई लड़की की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, पहली बात तो ये ठीक है, थोड़ा तो बॉट तेरी करो क्या नूब नहीं
अरे यार तुम लोग अब अवकाश से ज्यादा बोल रहे हो, जितना मुंह में है नहीं उतना ज्यादा उबल रहे हो। कल्लू मैडम ज्यादा बात कर रहे हैं बॉट नो। मुझे बोलने दो थोड़ा, ये देखो। अरे सुन भाई सुन, अरे कल्लू मैडम सुन। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। शकल देखिए भाई तेरा। हाँ देखिए शकल मैंने अपनी, बहुत चिकना और मस्त चमकदार लग रहा हूँ। पहले तेरा नाम आंस बॉन से आज बॉट रख ले भाई, बॉट बॉट। हाँ रख लूंगा, चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं रख लूंगा। आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हो ये बताओ। मैं कुछ भी रखू वो मेरी इच्छा है ना। तू इससे शादी कर ले, शकल अच्छी मिलेगी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अच्छा मैं इससे शादी कर लू, शकल अच्छी मिलेगी। अरे चिकन ये बॉट को किक कर बे। अरे अरे सुनो पहली बात, किक कर, इसकी औकात नहीं है, किक कर साले। अरे अरे भाई मैं, अरे यार मैं इज्जत से बात कर रहा हूँ, आराम से बात कर लो यार। लड़की की पहले ये बताओ, कल्लू एडम कितने साल से नहाया नहीं है बॉट। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। मैं 3 साल से नहीं नहाया हूँ, लेकिन खड़ा तो तुम्हारे ग्रुप में हूँ। स्मेल ले रहे हो क्या उसकी, तभी बोल रहे हो मुझे। नहीं नहीं सुनो सुनो, उसकी स्मेल लिया कल्लू एडम की। अरे भाई मतलब मुँह से बोलने दे रहे हो, टट्टी उतर गई है क्या तुम्हारी। बोल हाँ बोलो बोलो बोलो। नहीं तो बोलना बॉट क्या बोल रहा है, बॉट बोल। देखो यार पहले मैं थोड़ी बात कर रहा हूँ, ये कि लड़की के इंसल्ट नहीं करनी चाहिए यार। लड़के हो तो अच्छे रिस्पेक्ट से रहो, ये सब क्या करते हो तुम लोग ये बताओ। अब तू हम लोग को सिखाएगा हम लोग को क्या करना चाहिए। मैं सिखा नहीं रहा हूँ भाई, बस थोड़ी रिस्पेक्ट करना बता रहा हूँ, कि लड़की की रिस्पेक्ट करना चाहिए। अबे चिकन भाई इसको किक कर वे, बॉट की औकात नहीं है ग्रुप में रहने। अरे सुनो सुनो मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो, तुम लोग तो अब ऐसा कर दियो कि पिछवाड़े से गू निकल नहीं रहा, इसलिए मुंह से हग रहे हो। ठीक है अब तेरे पिछवाड़े में ये डाल देंगे, देख ले देख ले। साले इतना मारूंगा, देख इतना मारूंगा, समझा क्या बॉट। हाँ हाँ अभी देखना तेरे मुंह पे ही आएगा। हाँ बस देख ले ना, अपना हगा वो अपना ही खा लिया, तो ज्यादा मत हगो वरना खुद ही खाना पड़ेगा। टट्टी है और ज्यादा मत खुद को। बेटा ऐसे ऐसे मारूंगा बॉट, नूबड़े साले कल्लू एडम नहाता नहीं है नूबड़े। हाँ तो उसकी बदबू ले रहे हो क्या, वही पता चल गया नहाता नहीं हूँ। अच्छा वो इसने क्वीन ने एक को बुला लिया, किसी को गाली देने का मन कर रहा था कि आ गया कल्लू एडम बॉट नूबड़ा। बहुत दिन से अरे सुनो, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, इतने से बॉट बॉट कर रहे हो, हिम्मत है तो मेरे साथ कस्टम करके देख लो ठीक है। और अगर हार गए बॉट तो क्या खेलेगा, तेरी औकात ही नहीं है खेलने की। अरे ये सब बहुत ज्यादा हग रहे मुझे यार, सबको पहले मजा चखा दो यार सबको। हाँ तो एक मिनट को तुम शांत हो, मैं बता रहा हूँ अभी। देखो कस्टम कर लो ठीक है, अकेला नहीं बुला रहा हूँ, अकेला होगी तो डर जाओगी, मम्मी की गोदी में छुप जाओगे, इसलिए दोनों लोग आना। कि अगर एक डर जाए बॉट को मैं फिस्ट से मारूंगा बॉट। अरे ठीक है भाई, फिस्ट का भी नहीं है। अरे ठीक है फिस्ट से मार देना, तभी तो बोलो आ जाओ कस्टम में। लेकिन एक बात, मेरी बात फाइनल सुन लो, अगर तुम दोनों कस्टम में हारे और मैं जीता तो तुम्हें इस लड़की से माफी मांगना पड़ेगा, और अगर मैं हार गया तो मैं तुम लोगों से माफी मांग लूंगा, मंजूर है। मैं तीनों को मारने की क्षमता रखता हूँ ठीक है। अरे अरे तुम तीन को मारने की क्षमता रखते हो, 4 को, अभी चिंता मत करो मैं अकेला आऊंगा, तुम दोनों आना, वरना कहीं डर लग गया, कहीं डर गए मुझसे तो मम्मी की गोदी में जाओगे, तो कम से कम एक रहेगा तो आ जाओ, मैं कस्टम बना रहा हूँ फटाफट, हिम्मत तुम्हारी भी देख लेते हैं मैं। साले नो ठीक है भाई, तू बना भाई जा आ जाओ आ जाओ, साले बॉट को निकल बे। अरे यार हग रहे हैं ज्यादा ये लोग, अभी बताते हैं कस्टम बनने दो। हेलो काव्या, हेलो। हाँ चलो ये दोनों नूबड़े आ गए, जानते हो मैंने थोड़ी आवाज अपनी चेंज कर ली थी कि जिससे कि ये लोग पहचान ना पाए, तुम्हें सुनाई दे रहा था ना। हाँ, चलो चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं, अभी इन्हें पेलते हैं। मतलब ये लोग तुम्हें बोल क्या रहे थे आखिर में। अरे यार ये सब बोल रहे थे, देखो हम हमारे साथ पहले एक रैंक मैच खेले ठीक है, रैंक मैच खेले थे तो फिर उसके बाद वो सब हम एक भी किल नहीं कर पाए, हम जानबूझ के हार गए, मेरा नेट ही नहीं चल रहा था वैसे ठीक है। तो फिर हमें वो सब ग्रुप में बुला कर गंदी गंदी गाली दे रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं शादी करे तो ये है सब गंदा गंदा कह रहे थे, क्या बताऊं। ओके ओके चिंता मत करो, अभी नहीं सुधार रहे, अभी नहीं पता चल जाएगा तो अग्रात क्या होता है, शादी क्या होता है। और जानते हो अभी चिमकांडी इतने बदतमीज ये लड़के हैं
कि हिप हॉप हो गया, सीजन टू हो गया, तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, अभी बता रहे हैं। और वो मुझे आके मतलब अजीब अजीब टाइप से गालियां दे रहे हैं। मैंने कहा ये क्या बदतमीजी है, बंदा भाग रहा है। नहीं यार बहुत ज्यादा, अरे भाई बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साथ। ये क्या लेकर आया था यार? चिमकांडी हंस रहा है, M500 आई थिंक यूज कर रहा है। चलो कोई नहीं कोई नहीं यार, उसे मत, तुम चिंता मत करो काका, तुम चिंता मत करो, डरो मत, उन्हें सबक सिखा देंगे, उन्हें सबक सिखाएंगे भी और तुमसे सॉरी बुलवाएंगे भी। देख रहे हो मेरे कलवा एडम का हेड, देख रही हो इसके हेड पे क्या? हाँ इसे कलवा एडम का हेड देखो, हरियाली आ गई इसके हेड पे। अभी सादा मर्द था, ऐसा लग रहा है जैसे नागराज है ये, नागराज। अरे चिंता मत करो, तुम ज्यादा टेंशन क्यों लेती हो, ऐसे बंदों को सबक सिखाना ही मेरा काम है। अगर तुमने बोला नहीं होता ना, वैसे भी मैं ऐसे बंदों को ढूंढता रहता हूँ, कहाँ मिलेंगे सारे चिमकांडी। ओ भाई पता नहीं कौन सी गन यूज कर रहा है, दोनों देख रहे हो। ओ भाई ये M500 से क्या क्या मार रहा है, बवाल कर रहा है। हील कर लेता हूँ यार फटाफट। भाई ढक्कन खोल दिया चिमकांडी ने, देख लो इमोट कर रहे हैं, रुको भी बताते हैं। पीछे से तो नहीं आ रहा, अरे भाई फिर से मार दिया यार, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। मतलब भाई ये काव्या, हाँ यार कौन, तुम बहुत दुखी हो, कोई बात नहीं। अरे क्यों इतना सैड हो रही हो यार, इन लोगों की औकात अभी पता चल जाएगी, चिंता मत करो। एक दो राउंड हमारा कलवा एडम अभी जानते शादी में जा रहा था, बेचारा तैयार व्यार होकर, देख लो इसका लुक तो देखो, बेचारा शादी में जा रहा था लेकिन तुमने बुला लिया तो इसलिए आ गया, अपनी शादी मिस कर दी। कलवी एडमी से शादी करने जा रहा था लेकिन अपनी शादी छोड़ के तुम्हारे लिए सिर्फ आया है, तो अभी ये जैसे जगेगा ना वैसे इतने खतरनाक हेड पड़ेंगे। लो देखो अभी शुरुआत कर दी इसने, भाई ये बंदा हेड दे रहा अगर M500 से तो वही गन यूज कर रहा है बार बार। चलो इसे एक हेड, अरे भाई 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 निपट जा, नहीं निपटा यार। चलो ये गया, निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल, बहुत M500 तो उसका दूसरा बंदा आ गया। शॉट गन ले रखा इसने, ओ भाई रुको अभी। अरे कोई बात नहीं यार, ज्यादा टेंशन मत लो, अभी ये लोग सॉरी बोलेंगे, डोंट वेरी। भाई मैंने चपेल दिया, इस साइड से आएगा। बाय बाय टाटा गुड बाय, गया। चलो लो लो कलवा एडम ने अपना शुरुआत कर दिया जलवा दिखाना, आज मैंने बोला है ना चिंता मत करो, जब तक हमारे कलवा एडम की बॉडी में है जान तब तक किसी को होने नहीं देगा परेशान। कलवा एडम जिंदाबाद, एक बार तुम काव्या कलवा एडम जिंदाबाद बोल दो बस, कलवा एडम जिंदाबाद रहे। या अब तुम्हें लग रहा है जोश आया थोड़ा सा, अब देखो इस कलवे को मतलब इन दोनों चिमकांडियों हिप हॉप को कैसे पेलता हूँ। हिप हॉप हुआ तो क्या हुआ भाई, ओम चला रहा है कोई, इसी में से ओम लेकर आया चिमकांडी। कलवा एडम जिंदाबाद, देख रहे हो एक ही बंदा आ रहा है इसका। भाई
भाई खत्म कर दिया था। वो डेजर्ट लेकर आया सिर्फ, मतलब ये अलग अलग नशे करके बंदे आए क्या? कोई डेजर्ट सिर्फ नहीं, M500 है ये बंदा, M500 से मार रहा था, है ना? हाँ यही था। ये M500 यूज कर लेता है भाई, कतई मतलब आ गया चिमकांडी, मतलब पीठ से मार रहा है। I got broads in Atlanta. She's a Dolin fan. Le chimkandi le. Yes, Kalwa Adams. Oh, bhai, Kalwa, tum matlab Kalwa Adams kitni tarif kar rahi ho, to wo khush ho gaya. Yaar, jante ho Kalwa? हाँ, क्या हुआ? एक बहुत सैड न्यूज है, मतलब कलवा एडम शादी करने जा रहा था कलवी एडमी से, और अब वो चली गई होगी, किसी और से शादी कर लिया होगा, डीजे आलोक उसे शायद मिल गया होगा, उससे शादी कर ली होगी। चलो कलवा एडम से हम शादी कर लेंगे। ओ भाई तुम करोगी सच्ची में? सच्ची में। ओ भाई ये लो प्रपोज कर रहा है तुम्हें। आई लव यू। ओ भाई कलवा एडम को प्यार हो गया अब काव्य से, अब कलवा एडम इन्हें बहुत खतरनाक पेलेगा, अब तो अपने प्यार का सवाल आ गया भाई, बंदा आ गया इस साइड, अब तो इसके प्यार का सवाल है, समझ रहे हो? अब इतना खतरनाक पेलेगा इन लोगों को, देखो एक बंदा M500 पे, ओ भाई क्रोनो लगा रहे चिमकांडी, ओ भाई भाई रिवाइव ना कर दे। यस तुम्हारा कलवा एडम अब पेलेगा इन लोगों को। ये बंदा लॉन्ग रेंज में जाकर M500 चला रहा है, मतलब एक दो शॉट क्या मार लिया, एटीट्यूड ईगो इतना इमोट कर रहा है। रुको कलवा एडम क्या था? चलो एक हेड पड़ा, चलो गया। हेलो कलवा एडम, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? यस कलवा एडम जरूर तुमसे शादी करेगा, अभी बोल नहीं रहा, गूंगा हो गया है, मतलब इतना खुश हो गया है ना, जानते हो तुमने जैसे प्रपोज किया वो कलवा एडम को भूल गया यार। एक्चुअल में कलवा एडम को इसलिए भूलना पड़ा ना क्योंकि कलवा एडम ने भी डीजे आलोक से शादी कर ली होगी, तो इसलिए वो भी भूल गया, अब तुमसे शादी करके मजे करेगा। ओ भाई कलवा एडम से इतना प्यार तुम्हारा रहा नहीं जा रहा कलवा एडम को, अभी देखो इन चिमकांडियों को पेल के आएगा। वैसे काव्या कलवा एडम के साथ हनीमून पे कहाँ जाओगी? अरे भाई इधर से कोई आ गया। अरे भाई ओ भाई मारो मुझे। चिमकांडी हंस रहा है, रुको अभी बता, रुको। अरे पूछा था उसने तुमसे कि हनीमून पे कहाँ जाओगे, लेकिन तुमने बताया ही नहीं। दुबई बोल तो रहे हैं। दुबई जाना चाहती हो? चलो इस बार हाँ। तुम्हारी दुबई की टिकट कलवा एडम के पास वैसे पैसे बहुत हैं, बहुत लोगों को मार रहा है ना, गैंगस्टर बन गया कलवा एडम। जब देखो जिसकी भी मतलब सुपारी बहुत लेता है, जानते हो सुपारी लेकर जाएगा और क्या हमें कलवा एडम को सबसे अच्छा ये लगा कि मेरी बेइज्जती हो रही थी, वो बचाया मुझे, इसलिए उससे शादी करने का। ओ भाई मतलब प्यार, देखो प्यार। भाई कौन सी कंच, दोनों साइड बंदे हैं यार, इन्हें थोड़ा क्लोज रेंज में आने दो यार, हेड नहीं जा रहा। ओ भाई देखा इसे हेड, देखा ये बोले ना कलवा एडम बहुत छोटी है। सही बोल रहे हो, हेलमेट मेरा खाता में, अगर उसका गलती से भी हेड आया तो खत्म हो जाऊंगा मैं। बेटे वाह बेटे मौज कर दी, हां मौज कर दी वाह बेटे वाह। यस काव्या तुम ऐसे ही इसे प्यार देती रहो फिर तो ये पेल देगा ऐसे कि तुम भी नहीं बच पाओगी। अरे नहीं गलत बोल दिया, मतलब उन लोगों को पेल देगा। आप खुश हो ना? बस वो पागल हो जाएगा खुशी से कलवा एडम, फिर मार भी नहीं पाएगा। वैसे आप खुश हो काव्या? हाँ, तो बस खाली माफी वो सब मांग ले तो और भी खुश हो।
हाँ बस तुमसे माफी मांगेगी, चिंता मत करो, जब तक कलुआ एडम है तब तक तो वो माफी। ओ भाई ओम चला रहा है। Oh God, please, no, no! वो हेड पड़ा लेकिन मारा नहीं, मारा नहीं चिमकांडी। ये पीस से मारने आ रहा है बंदा, लगता है कुछ लेकर ही नहीं आया, मतलब कितना प्रो बन रहा है यार ये। उसे भी हेड पड़ा था, इसे भी हेड पड़ा, लेकिन दोनों नहीं निकल रहे। नहीं नहीं नहीं, उसने वो गन ले रखा है। अरे भाई भाई क्रोनो पे चल गया, क्रोनो क्रोनो। ग्लू तो ना तोड़े यार, ग्लू ना तोड़े, ग्लू ना तोड़े, वरना ग्लू तोड़ रहे हैं ग्लू। कोई इधर भी एक साइड है, इसे सिर्फ M500 ही चलाना आता है क्या काव्या? ये गेम में पुछ... अरे भाई बार बार हेड दे रहा है मुझे। अरे भाई भाई फंस गया, फंस गया, फंस गया। यही चलाने आता है। रुको जरा, सबर करो। लो अरे भाई दूसरे ने पेल दिया, मतलब भाई यार वो आम ले रखा था, जानते हो काफी मेरा ब्लड एकदम एचपी बहुत कम था, वरना इसे भी पेलता, कितना खतरनाक हेड पड़ा था। कलुआ एडम का रोद्र रूप देखोगी, इतना खतरनाक, इतना खतरनाक, ये चिमकांडी डर के अपनी मम्मी की गोदी में जाके छिपेंगे। तुम मत छिपना गोदी में। लो ये गया, मैंने बोला था ना इस बार अपना बहुत आम चला रहे हो बेटा, बहुत। इसका दूसरा बंदा कहाँ पे है? वो वही हाँ, हाँ, देखो वो लॉन्ग रेंज से खेलेगा ना, M500 यूज कर रहा है। अरे मुझे समझ में कौन सा नशा कर रहा है ये, इसे कुछ और गन नहीं चलाना था क्या? और भाई जानते हो काव्य मतलब हर बार हेड देता है उस गन से, हेड बहुत खतरनाक मारता है, इसीलिए वो लेकर आ रहा है बार बार, लग रहा है। अरे भाई बच गया, बच गया, चाहे वो हेड मारे चाहे वो कुछ, पर जीतना तो हम ही को है। यस यस अभी। अरे भाई आम कब ले लिया इसने, लगता है इसी के बॉक्स से उठा लिया। रुको साला कलुआ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। ले ले चिमकांडी, ले ले, देख रही हो कलुआ एडम का रोद रूप? हाँ हाँ, कलुआ एडम तो जिंदाबाद है। ओ भाई यस यस, कलुआ एडम हमेशा जिंदाबाद रहेगा। सामने वाली टीम सांडी, सामने वाली टीम मुर्दीबाद। यस यस मुर्दीबाद, अरे मुर्दाबाद यार, वो लड़की नहीं है लड़का है, मुर्दाबाद बोलो। और कलुआ एडम जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद कुछ नहीं। कलुआ एडम जिंदाबाद रहेगा और कलुआ एडम की वाइफ भी जिंदाबाद रहेगी। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, अपनी भी तारीफ साथ। अरे भाई 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 क्रोनो लगा रहा है, फील करेगा चिमकांडी। इसका दूसरा बंदा वो देखो दूर से आ रहा है। लो बहुत ये M500 बहुत चलाता है ना। हाँ बहुत ही अच्छे किए इसको बंदे, ओपी है। अभी रुको इसे, ओ भाई ये कहाँ छुप जाता है चिमकांडी। जब मेरी शादी हो जाएगी कलु एडम से, बच्चे हो जाएंगे तो एक का नाम रखेंगे कलु एडम। ओ भाई तो बच्चे अच्छे सब प्लान कर रही हो। ये मरेगा, ये मरेगा, ये मरेगा। लो लो गया, लो गया। अरे रे रे रे, बच गया यार, ये आम चला रहे हैं दोनों। रुको मुझे संभल के खेलना पड़ेगा, अकेला कर दो दोनों को फिर मारूंगा। यार ये बंदा खतरनाक खेल रहा है, मतलब अरे चिमकांडी तो मरेगा। रुक ले खाब, इमोट 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 तोड़ रहा है।
आम चला के गुलवाल तोड़ रहा है वो, देख रही हो? चल वो एडम जिंदाबाद, उसको तो आप डिजर्ट से वन टैप दे दीजिए। अरे फंसा दिया, फंसा दिया, फंसा दिया, डेजर्ट से नहीं खा पाएगा क्योंकि उसने ओम ले रखा है ना, और गलती से मुझे पड़ा। शॉटगन से खींचेंगे। लो वो बाय बाय टाटा गुड बाय गया, खत्म ही हो गया। मैंने सोचा मार दूंगा लेकिन खत्म हो गया डर से ही। चिमकांडी निपट गए। हेलो काव्या, आप इनसे सॉरी बुलाने की बारी है, बहुत ज्यादा हवा में उड़ रहे थे। वे सॉरी बोलेंगे। हेलो हेलो क्वीन, सच सच बताओ ये कलवा एडम है कौन? ये मेरा हस्बैंड है। अरे क्वीन हेलो। हाँ अरे सच्ची बोलो, हम लोग सीजन 2 से खेल रहे हैं लेकिन मतलब हम तो जीत रहे हैं ठीक है, लेकिन ये भी अच्छा खेला भाई। कोई नूब ऐसा नहीं खेल सकता, कोई नूब ऐसा नहीं खेल सकता। ये मेरा हस्बैंड बोल तो रहे हैं, आप लोग पहले मुझसे माफी मांगो, पहले फिर सुनो। हेलो हेलो हेलो, अब मेरी अच्छे सुनो, मेरी रियल वॉइस में सुनो, उससे अब सॉरी बोलो, क्वीन से सॉरी बोलो। तुम लोग हार चुके हो जैसे हमारी शर्त लगी थी, अब सॉरी बोल दो ठीक है। और तुम लोग ज्यादा हवा, हाँ दोनों दोनों बोलो दोनों। अच्छा ठीक है यार, सॉरी यार क्वीन, मतलब अच्छा खेले, क्वीन भी अच्छा खेलती है। हाँ क्वीन भी अच्छा खेलती नहीं, देखो अगर कोई अच्छा नहीं खेलता तो उसकी इंसल्ट करनी, उसकी बेइज्जती करने की बात नहीं आती है। एग्जैक्टली तुम लोगों को इतनी समझ होनी चाहिए, वो लड़की है तो उसकी इंसल्ट करने क्या फायदा, ये बताओ। अगर नहीं खेल पा रही अच्छा तो उसके साथ मत खेलो, बात खत्म वहीं पे। अच्छा ठीक है ठीक है, अच्छा खेल दिया ठीक है, समझे तुम भी अच्छा खेले, मैं भी अच्छा खेला, चलो ठीक है कोई बात नहीं। बट ऐसी मतलब गलती दोबारा किसी लड़के के साथ मत करना। इस ओके कोई बात नहीं, कोई भी ऐसी लड़की चाहे कोई भी हो पर ऐसे मत बोलिए। अरे हेलो भाई, रिक्वेस्ट ले लो यार, हम आपके साथ खेलेंगे, आप बहुत ओपी खेलते हो। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। अरे एक मिनट, पहले तो मैं क्या था, सुनो मेरी बात सुनो, पहले मैं क्या था, अंश बॉट यार, मैं तो बॉट हूँ, मैं कैसे अच्छा खेल सकता हूँ। अरे मैंने शायद आपका वीडियो देखा था यूट्यूब में यार, भूल गया था नाम थोड़ा। अच्छा। आप यूट्यूबर हो ना? अच्छा अच्छा पहचान गए, इसलिए मैं रियल वॉइस नहीं सुना रहा था, पहले जब आया था तो मैंने थोड़ी आवाज चेंज कर दी थी। कोई बात नहीं, मैं हाँ यूट्यूबर हूँ। और पहली बात यार, किसी लड़की के साथ मजाक मस्ती एक लेवल तक करो, ज्यादा ऊपर मत जाओ। अरे हंस भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ यार, मेरा रिक्वेस्ट लोगे भाई? हाँ ठीक है ले लूंगा। भाई मेरा ठीक है मैं यूट्यूबर हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं ओपी खेलता हूँ, इसलिए तुम दोनों का रिक्वेस्ट नहीं ले सकता। निकलो अब यहाँ से, तुम कांडियो हद कर दी यार, मतलब एक लड़की की इंसल्ट करते हैं। रुको, हाँ ये बुला रहा है ना मुझे जान। हेलो काव्या। अरे भाई प्लीज ले लो भाई। अरे रुको, ले लेंगे चिंता मत करो। हेलो काव्या, तुम भी इनका ग्रुप छोड़ो आज के बाद, इनका मतलब अनफ्रेंड कर दो और ग्रुप में जाना मत। क्या ग्रुप छोड़ो, ग्रुप क्या कहते हैं, डिसबैन करो। अच्छा हाँ सही है। और गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ, एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। और गाइस जानते हो ऐसे बहुत सारे बंदे मेरी ही फ्रेंड लिस्ट में हैं, मैं सच बता रहा हूँ, इतना दिमाग घूम जाता है अगर वो इन्वाइट करते मैं नहीं जाता हूँ, या फिर उन्हें पता चल जाता कि मैं यूट्यूबर हूँ तो वो मैसेज में गंदी गंदी गाली लिख के फिर वन वर्सेस वन करने के लिए बोलेंगे। तो काफी सारे बंदों को तो अनफ्रेंड कर चुका हूँ और आगे भी देखते हैं क्या होता है। तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दो, और कमेंट बताना कि मैंने सही किया या नहीं किया, आप लोग कमेंट करो जाकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।